हेलो, दिस इज विजेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेयर्स में बाल कैसे काटे, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्लर में जाके तो कोई भी कटवा सकता है, बट घर बैठे स्टाइलिश हेयर्स किसे नहीं चाहिए। 5 मिनट में आपके बाल बोरिंग से स्टाइलिश हो जाएंगे। इसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री है, बट मैंने अपने बालों में 2 बेसिक स्टेप और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप करा है, बिकॉज मेरे बाल लेंथ से थोड़े छोटे हैं। तो इस वीडियो में बने रहे टिल द एंड। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं अपने बालों को टैंगल फ्री करूंगी और फिर बैक टू फ्रंट कॉम्ब करूंगी। सारे बालों को टैंगल फ्री करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका कट निखर कर आएगा। और मैं आगे में एक पोनी टेल बना लूँगी। आपको कितना बाल कट करना है ये आप अपने बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग देखें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनिशियली 1 से 1.5 इंच ही कट करें। उसके बाद अगर आपको कम लग रहा है तो फिर आप और कट कर सकते हैं। बाल कट करने के बाद आप उसे एक बार ट्रिम कर ले। अब मैं अपनी पोनी टेल ओपन कर रही हूँ। तो अब रेडी होना है 2nd स्टेप के लिए। कान तक के बालों का सेक्शन लेंगे और जो पीछे के बाल है उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे के बालों को बैक टू फ्रंट कॉम करके फिर से फोरहेड के पास पोनी टेल बनाएंगे। अगेन मैं ज़्यादा बाल कट नहीं करूँगी, 1 से 1.5 इंच तक ही कट करूँगी और उसके बाद बालों को ट्रिम करें। अब बारी है 3rd स्टेप की। आईब्रो के एंड तक के बालों का सेक्शन लेंगे। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल का लेंथ छोटा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये स्टेप नहीं फॉलो करती। बट ये लेयर कट है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ये भी स्टेप होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे फॉलो कर सकते हैं या इसे स्किप कर सकते हैं। और बाकी बालों को हम छोड़ देंगे। और हम 1/2 to 1 इंच तक अपने हेयर कट कर सकते हैं। ये स्टेप मैं अपने बालों में फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरे बालों का लेंथ छोटा है। और अब बारी है हमारे लास्ट स्टेप की, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप के। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि कितने लोगों को आगे में फ्रिंजेस पसंद नहीं है, छोटे बाल पसंद नहीं होते, तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे पसंद है तो मैं इसे फॉलो ज़रूर करती हूँ। आगे के बालों को अच्छे से डिवाइड कर लेना है। अब आगे के बालों को कॉम करके हम के अकॉर्डिंग कट करेंगे, जितना भी आपको पसंद है, 1 इंच और 2 इंच, वट एवर यू लाइक। तो मेरी कटिंग तो हो चुकी है और अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फ्रंट लुक। बालों को जब मैंने ओपन किया तो ये उल्टा यू शेप का लुक लग रहा है। गाइज, अब आप खुद देख सकते हैं कि बालों में कितना निखर कर आया है ये कटिंग, और वो भी घर बैठे। कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बाल खुद कट कर सकते हो, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार, सिर्फ एक बार आप ये हेयर कट जरूर ट्राई करना और उसके बाद कॉमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @VijetaSinha4171। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।